नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक्सेल में किस तरीके से ऑटो फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको कोई दो वैल्यू लेना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 1 और यहाँ पे हम लेते हैं 2, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं जैसे 8 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले कि किस तरीके से ऑटोमेटिक फार्मूला यूज होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट वाले यहाँ पे जो सेल दिया है इसके नीचे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप होम पे हैं तो यहाँ पे आपको राइट साइड एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सम, लेकिन ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर आपका रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 9 आ गया। लेकिन अगर और चाहते हैं कि ऑटोमेटिक फार्मूला यूज करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे छोटा सा एक देखिए एरो बना है, आप इस पे क्लिक कर और भी बहुत सारे फार्मूले इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देगा एवरेज। एवरेज का मतलब है कि आप इन दोनों के बीच में एवरेज देखना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट करेगा, जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का जो एवरेज है 6 निकाल कर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है फंक्शन काउंट नंबर। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो भी आप नंबर लिखे हैं वो कितने नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, 2। लेकिन आपका जो यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कि आपका कितना यहाँ पे टाइप किए हैं नंबर, तो आप इजी तरीके से काउंट कर सकते हैं। बस आपको काउंट नंबर पे क्लिक करना है और जैसे आप इंटर हिट कर देंगे यहाँ पे बता देगा आप 4 नंबर यहाँ पे टाइप किए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 4 नंबर इजी तरीके से आ गया है। उसके बाद इसके अंदर एक और फार्मूला फंक्शन आता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है कि अगर आप इन सारे वैल्यू में देखना चाहते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 वैल्यू सबसे बड़ी, यानी मैक्स का मतलब बड़ा। उसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है आपका मिनिमम। मिनिमम का मतलब था सबसे छोटा, यानी अगर सबसे छोटा आप देखना चाहते हैं तो आप मिनिमम पे क्लिक करिए और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 आपको मिल जाएगा। आप इन सारे वैल्यू में चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और आता है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन में आप और इससे रिलेटेड आप फंक्शन देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, इन सब के लिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको इजी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आता है आप उसे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।